जब भी आपका राजसमंद आना हो या नागद्वारा से राजसमंद के लिए अपन चलेंगे तो टीवीएस चौराहे के पास में, टीवीएस सर्कल, हाँ जी, के पास में 50 फीट रोड पे एक ये स्वागत रेस्टोरेंट है जिसका एम्बियंस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और नमस्ते, राजसमंद से ये हमारा रेस्टोरेंट है जिसका नाम स्वागत फूड कोर्ट है, जो समथिंग 2013 में हमने इसको स्टार्टअप किया था। तब से बहुत ही अच्छा चल रहा है, बाहर के लोग आते रहते चलते रहते। हमारी कुछ स्पेशल सब्जी वगैरह कुछ वैरायटीज़ है जो हमारे पास में सर के साथ में रखी है। मेरे को इन्होंने कहा आज हमारे यहाँ की आप थाली खा के देखिए, ये स्पेशल थाली है जिसका हम पनियारी थाली के इसको पुकारते हैं। पनियारी जिसके अंदर पनियारी मतलब जैसे एक पनीर की सब्जी हो गई, हरी मतलब हरी सब्जी। अच्छा। और पूरा वेराइटी पनियारी थाली के। अच्छा, ये पनियारी थाली है इनकी जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा आगे लें। ये सैलेड से चालू होता है जी, और ये पापड़ है, ये क्या चीज़ है? ये पालक की सब्जी सर, हरी सब्जी हो गई, पालक की हरी सब्जी है। ये पनीर की सब्जी हो गई सर, पनीर की सब्जी है, कढ़ाई पनीर, और उस पर इन्होंने क्रीम डाल रखा है जी। ये कढ़ी हो गई सर। अच्छा, कढ़ी बिल्कुल डिफरेंट लगी मेरे को, जैसा राजस्थान में मिलता है वैसा नहीं है, कुछ थोड़ा सा मीठापन भी रहता है इसमें। अच्छा, ये रायता हो गया, ये रायता है, ये दाल हो गया, ये दाल है, ये राइस, ये स्वीट में हमने गुलाब जामुन रखे हैं, और ये बटर मिल्क हो गया, ये बटर मिल्क हो गया। और ये स्टार्टिंग में जैसे कोई भी गेस्ट का हमारा फर्स्ट चीज़ में लच्छा पराठा हम सबसे पहले सर्व करते हैं, उसके बाद में अकॉर्डिंग गेस्ट का उसको रिपीट में लच्छा चाहिए तो या तंदूर की रोटी या सिंपल तवा रोटी उसके बाद। अच्छा, कोई भी कस्टमर अगर आता है तो सबसे पहले ये आता है, ये आता है, अगर मान लो उसको कोई रिफिलिंग चाहिए तो आप वो करेंगे जी? अनलिमिटेड फूड है। अच्छा, अनलिमिटेड फूड है। और कितने की थाली है? 150 की सर अभी थाली है। 150 की अनलिमिटेड थाली, अनलिमिटेड अभी। स्वीट सिर्फ वन टाइम है, स्वीट वन टाइम है, बटर मिल्क वन टाइम है, बाकी आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट भैया खिला रहे हैं। आई थिंक प्रमोशन इन्होंने चालू कर रहा है, प्रमोशन तो नहीं है भैया? नहीं, प्रमोशन बिल्कुल ही नहीं है। 150 की एक्चुअल थाली है, मेनू में इसका प्राइस लिखा हुआ है, डिटेल सब लिखी हुई। अच्छा, GST वगैरह सर? कंपोजिशन स्कीम में है अपना रेस्टोरेंट। अच्छा, कस्टमर से कोई GST नहीं है। अच्छा, GST इंक्लूड सब कुछ है? सब कुछ है, GST तो लगा लो यार, थोड़ी बहुत फूड है, फूड पे भी क्या GST? नहीं, मैं देता हूँ, मतलब मैंने कहीं काफ़ी जगह देखा कि वो GST अलग से लेते हैं। नहीं, तो गाइस इसको हम खा के बताते हैं। पहले तो मैं ये बटर मिल्क पीता हूँ, थोड़ा सा गला रवा हो, ताकि फिर आपको इसका जायका बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बटर मिल्क नहीं है, ये लस्सी है, और इस प्राइस में ये लस्सी भी ला रहे हैं आपको, कह रहे हैं बटर मिल्क है बटर मिल्क, लेकिन इतना बताता हूँ ये लच्छा पराठा है, वो भी बहुत ही क्रिस्प है जी। स्टार्टिंग करते हैं कढ़ाई पनीर है जी सर, इसमें शिमला प्याज टमाटर और पनीर का। अच्छा, रेड ग्रेवी के साथ में इसका। अच्छा, टेक्सचर दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया ग्रेवी है इसकी भी, और पनीर की जो सॉफ्टनेस है ये आप खुद नहीं बाहर से आता है, बट दिल्ली का डेली फ्रेश आता है। फ्रेश, बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है। और ये है आपकी पालक की सब्जी? पालक की सब्जी, सिर्फ पालक ही है जी सर। अच्छा, अल्टीमेट सब्जी पालक की सब्जी, मैंने आज तक लाइफ में ऐसी नहीं खाई, क्योंकि हल्का हल्का कहीं ना कहीं कसैला स्वाद जो उसमें पालक की कड़वाहट में आता है वो बिल्कुल भी नहीं है। और आप ये देख सकते हैं, कैमरा में आपको दिखाता हूँ, प्योर ग्रीन है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि क्रीम डाल के इसको थोड़ा सा इसका सौंधापन कर रखा हूँ, बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनाया हुआ है। और अब बारी आती है आपकी दाल की, जो आपको बता रहे दाल बहुत सबसे ज़्यादा चलती है अपने यहाँ पर, हर टेबल पे सर्व होती है दाल। अच्छा, वाकई में अल्टीमेट दाल है ये भी? नहीं, सिर्फ तुअर की दाल है, इसको दाल फ्राई बोलते हैं हम। अच्छा, सिंपल तुअर की दाल, तुअर की दाल ये बोलते हैं। अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट इनकी कड़ी है, कड़ी में भैया ये 50 दही का ही है। तो अभी आपको और कुछ चीज़ दिखाते हैं भैया, कहें एक कार चीज़ और रेस्टोरेंट का स्पेशल सब्जी है जिसका। अच्छा, हम इस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं। अच्छा,
थोड़ा सा कैमरा आगे लेके, ये क्या सिजलर है क्या? नहीं सर, हमें इसका नाम दे रहेगा पनीर तूफानी, जिसे तूफान की जैसे आती है। अच्छा, तूफान की जैसे आती है सर। तो ये देखिए पनीर तूफानी है और साथ में ये गार्लिक नान है, बटर है पनीर के साथ में, शिमला मिर्च। अच्छा, पनीर के साथ में शिमला मिर्च है। और ये कौन? नहीं, ग्रेवी, वो गार्लिक। अच्छा, गार्लिक नान। पनीर तूफानी, तो पनीर इसमें छोटी पीस में। अच्छा, छोटी पीस में। पूरा फुल रॉ मटेरियल डाला है, कंजूसी नाम की कहीं चीज़ नहीं। बहुत बढ़िया, सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक, किसी में भी आप कम मार्क्स नहीं दे सकते। बहुत ही बढ़िया जाएगा इसका भी, आप ये देख सकते हैं। और स्वागत रेस्टोरेंट में अगर आपने ये थाली और ये चीज़ अगर ट्राई नहीं करी तो ये मान लीजिए कि आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। तो एक बार आप विजिट करके देखिए इस रेस्टोरेंट में, बहुत ही अल्टीमेट खाना है और बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको ये सब दे रहे हैं। तो ये था हमारा राजसमंद का जायका, और राजसमंद की तरफ आना हो या आप इस हाईवे से निकल रहे हैं तो स्वागत रेस्टोरेंट में एक बार ज़रूर आएँ, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। और खाना जितना बढ़िया है उतना बढ़िया भैया का नेचर और यहाँ के स्टाफ का नेचर मेरे को लगा। मेरे को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यहाँ आके अगर आपको खाना अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा क्या जायका रहता है। और मेरे हिसाब से तो इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट का कोई गुंजाइश मेरे को नज़र नहीं आ रही, और फिर भी आपको लगता हो तो आप ज़रूर बताइएगा, भैया करने को तैयार रहेंगे। मेरे हिसाब से 100 out of 100 है। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा नाथद्वारा, जहाँ की आपको नाथद्वारा का फेमस टेम्पल और वहाँ का जो नाथद्वारा का प्रसाद है और वहाँ के जायके भी आपको बताएंगे, वहाँ की चाय, वहाँ की लस्सी और वर्ल्ड फेमस वहाँ की पिछवाई पेंटिंग, उस सभी के बारे में आपको बताएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।